हाय गाइस, सबका ऑटो लिंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जवान जवान का जो मतलब ट्रेलर है, एक नहीं दो आने वाले हैं। और क्रेजी हम जो कि आपको मालूम है, और चर्चा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट मौजूद है। चलिए हम लोग मिलते हैं और जवान मूवी का ट्रेलर कब और कभी आने वाला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्या सर, हाँ शुक्र, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। जवान मूवी का ट्रेलर आने वाला है सर, एक नहीं दो, क्या आप कुछ कहेंगे उसके ऊपर सर? क्या कहना है, जो कहना था शाहरुख खान ने कह दिया पठान से। अब जवान तो धमाका सीधा करेगी, कुछ अच्छा, कहेगी नहीं। अच्छा, दो दो ट्रेलर आ रहे हैं, बड़ी बात है। अच्छा, और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है। नॉर्मली पठान का ट्रेलर आया था 20 दिन बाकी थे तब आया था, मुश्किल से ना 15-20 दिन बाकी थे तब। तो इसका ट्रेलर अगर आता है मिशन इम्पॉसिबल सर, जैसा कहा जा रहा है मिशन इम्पॉसिबल 12 तारीख को आने वाली, तो उसी के साथ इसका ट्रेलर आने वाला है अटैच होके, यानी कि उसी दिन इसको रिलीज भी कर दिया जाएगा। रिलीज नहीं भी किया जाए तो लोग लीक कर देंगे वैसे भी। हाँ सही बोल रहे हैं आप, तो ये 12 तारीख को ही आना चाहिए इसका ट्रेलर पहला। और जो दूसरा ट्रेलर है, मुझे लगता है कि अगले महीने अगस्त है, अगस्त को 20-21 तारीख तक आना चाहिए, क्योंकि पीछे 7 सितंबर को है। अच्छा, तो 20 तारीख तक अगस्त में आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सितंबर में भी कई फिल्में हैं, सबको ही मालूम है। सितंबर फिल्में नहीं, सितंबर फिल्मों का भंडारा है पूरा, क्या बोल रहे हो, पूरा कोई भी पिक्चर है, बहुत पिक्चर खाली नहीं है। नहीं, पिक्चर बड़ी बड़ी है। पिक्चर बड़ी बड़ी, सलार है, जवान है, दो फिल्में, मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे, दो फिल्में बड़ी बड़ी। सही सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो मतलब फुल एक्साइटमेंट है आपकी, इनके फैन लोग नहीं कुछ कहेंगे सर? नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब समझदार है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बुक माई शो पर 97,000 इसका इंटरेस्ट रेट है, यानी 100 के इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी होने वाला है। फिल्म को सिर्फ 2 महीने बाकी है, क्योंकि 7 सितंबर मैंने कहा और आज 8 जुलाई है। इन 2 महीनों में बहुत कुछ बदलेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, वो है खुमार। जवान को लेकर जो ऑडियंस को खुमार है वो नहीं बदलने वाला। अच्छा, है अच्छा, ये फिल्म बहुत चलेगी। और जो जहाँ पर रुकी थी अच्छा, पठान, वहाँ से ये शुरुआत होगी जवान की। बाप रे बाप, और ये अलग सुनामी लेकर आएगी। अच्छा, शाहरुख खान की डंकी भी है जो 25 दिसंबर कही जा रही है, उसके रिलीज तो वो भी फिल्म धमाल मचाएगी। अच्छा, और मेरा ऐसा मानना है कि शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर है जिनसे लोग कह रहे थे पिछले साल तक कि करियर खत्म, रिटायरमेंट ले लो। अच्छा अच्छा, आज वही एक्टर बॉलीवुड की इज्जत बचा रहा है। सही बोल रहे हैं आप, इज्जत बचा रहा है। और शाहरुख खान ने जितना प्यार लोगों को हाथ खोलकर दिया था, उतना ही प्यार ऑडियंस ने हाथ खोलकर उन्हें दिया है, गले लगाकर उन्हें दिया है पठान से। और जवान में भी वो डबल होगा, डबल होने वाला। हाँ सही बोले, तो देख सकते हैं सूर्या सर का जो है कितना मतलब उन्होंने किस तरीके से, किस सटीक से शाहरुख खान और शाहरुख खान के फैन लोग को मतलब बताया कि शाहरुख खान कितने ये हैं कि आज जो है बॉलीवुड को बचाने वाले किंग खान शाहरुख खान है। वापसी तो हुई है, लेकिन उस टाइम पे वापसी हुई है जिस टाइम पे बॉलीवुड डूब रही थी। तो दोस्तों, मैं यही चाहूँगा कि सर का चैनल बॉलीवुड क्रेजी और आटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।